जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है घर बैठे वो भी फ्री में। आप चाहते हैं आपका पैन कार्ड फिजिकली हो जाए और आपके पास आ जाए और उस पर एक सिग्नेचर भी हो, तो अभी मैं आपको वही प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कैसे आप घर बैठे अपना पैन कार्ड पर सिग्नेचर कर सकते हैं और अपना पैन कार्ड अपने हाथ में कैसे मंगाएंगे। तो पूरी प्रोसेस में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं घर बैठे पैन कार्ड बनाने की प्रोसेस जानना और आपने अब तक आपका पैन कार्ड नहीं बनाया तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक, वहाँ पर जाके आप सीख लीजिए किस तरह से आप घर बैठे अपना पैन कार्ड बनाते हैं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना होगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे आप पैन कार्ड कैसे ऑर्डर करेंगे। चलिए प्रोसेस की ओर जानते हैं कैसे आप घर बैठे पैन कार्ड को फिजिकली कन्वर्ट करके अपने एड्रेस पर मंगाएंगे। तो देखिए जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को आपको लाइक करना होगा और नीचे थैंक्स वाला बटन भी आपको नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करना तो थैंक बटन को ओके करके भी आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको वहां पर स्टार बटन नजर आएगा, तो आप स्टार देके हमारे फेसबुक पेज को सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी दोस्त आपका पैन कार्ड बनाना चाहता है या उसने पैन कार्ड बना लिया है और वो चाहता है पैन कार्ड को फिजिकली कन्वर्ट करके अपने एड्रेस पर लाना, तो आपको ये वीडियो उन दोस्तों में शेयर जरूर करना है ताकि उनका भी काम हो जाए। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर। प्रोसेस के लिए हम जाएंगे हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसे मैं आपको बताऊँ उसी तरह से आपको करना है। आपका पैन कार्ड आपके एड्रेस पर विथ सिग्नेचर आपको मिल जाएगा। तो चलिए जाते हैं हम हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। तो जैसे सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पैन कार्ड कैसे बनाते हैं घर बैठे, और जो पैन कार्ड आपने बनाया था वो था पीडीएफ के तौर पर, जैसे आधार बेस पर जो डिटेल थी वही डिटेल आपके पैन कार्ड पे थी और आपके पैन कार्ड पे सिग्नेचर नहीं था और वो पैन कार्ड ई पिन कार्ड था। तो आप चाहते हैं इसे फिजिकल में कन्वर्ट करके आपको फिजिकली पैन कार्ड घर पे ऑर्डर करना, तो आपको क्या करना है देखिए अभी मैं आपको एक प्रोसेस दिखाऊंगा, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आपका पैन कार्ड आपके घर पे विद फोटो एंड सिग्नेचर के साथ आपको मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे प्रोसेस जान लेंगे, प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस आपको बताता हूँ। उस तरह से आपको करना है जैसे कि आपका जो पैन कार्ड है उसके ऊपर सिग्नेचर और फोटो दोनों आ जाए और आपके पास आपका पैन कार्ड भी आ जाए। इस तरह से जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इस तरह से पैन कार्ड आपका भी नजर आएगा और आपके हाथ में आपको पैन कार्ड मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे मोबाइल या क्रोम के ब्राउजर पर जाएंगे और वहां पर टाइप करेंगे इनकम टैक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल साइट है उस साइट पे हम चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए हम इनकम टैक्स के ऑफिशियल साइट पे आ गए। तो यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे मैं आपको एक दोबारा से प्रोसेस दिखाता हूँ आप इंस्टाग्राम पैन कार्ड कैसे ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है इंस्टाग्राम ई पैन पे आपको जाना है। हम इंस्टाग्राम ई पैन पे जैसे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन। तो यहाँ पे क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने राउंड किया है वहां पर देख सकते हैं आपने कंटिन्यू कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डाल देना है और कंटिन्यू करना है। आपके आधार बेस नंबर पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी लेके आपको यहाँ पर दर्ज करना है और फिर से इसे कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर आपका पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड आपका जो बर्थ डेट होता है उसके हिसाब से आपका पासवर्ड होगा वो डाल के आप अपना पैन कार्ड चेक कर सकते हैं, जो कि इस तरह से होगा जिसमें सिग्नेचर और फोटो वही होगा जो आधार पे होगा। आपका सिग्नेचर इस पैन कार्ड पे नहीं होता है, जो ई पैन कार्ड हम बनाते हैं उसमें सिग्नेचर और फोटो नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ से चेंज करना है। तो अब क्या करते हैं वेरीफाई पे जाते हैं। वेरीफाई पे जाने के बाद देखिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे। वेरीफाई पे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको पैन नंबर डाल देना है और नीचे आपका फुल नेम डाल देना है। तो देख सकते हो दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमारा जो पैन नंबर है हम यहाँ पर डाल दिया, फुल नेम डाल दिया। उसके बाद नीचे हम करेंगे बर्थ डेट हम यहाँ पर डाल देंगे, जो भी बर्थ डेट है वो बर्थ डाल देंगे। आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपके नंबर पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। यहाँ पे आपने ओटीपी दर्ज कर लिया, अब इसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद देखिए आपका जो पैन कार्ड यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है, तो
इस तरह से अगर आपको नजर आता है तो फिर आपको क्या करना, देखिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पैन कार्ड ये एक्टिव है, तो अब हम क्या करते हैं फिजिकली पैन कार्ड के लिए प्रोसेस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से वापस से आएंगे और यहाँ पर डायल करेंगे NSDL। तो यहाँ पर हम NSDL पे क्लिक किया, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन एंड NSDL का आपको ऑफिशियल साइट पे चले जाना, और यहाँ पर आप देखिए एप्लीकेशन का जो फॉर्म होता है वो आपको नजर आएगा। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको जैसे मैं बताऊँ ऐसे आपको करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू पैन एंड ये सब आपको ऑप्शन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये देखिए चेंज और करेक्शन वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर करेक्शन करना है तो उसी को हम फॉलो करना है। तो हमने ये वाला सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, आपको भी इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो टाइटल होता है वो टाइटल भी सेलेक्ट करेंगे। टाइटल में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, श्री श्रीमती कुमारी जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लेना। लास्ट नेम में आपको डाल देना आपका सर नेम, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, इस तरह से आपको डालना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि वहाँ पर सिर्फ दो नाम है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए लास्ट नेम सर नेम में डाल देना है और फर्स्ट नेम में डाल देना है। मान लीजिए अगर सिर्फ सिंगल नेम है तो फिर आपको मिडल नेम में वो आपका नाम डाल देना है। उसके बाद आपको करना क्या, देखिए बर्थ डेट होती है वो बर्थ डेट डाल देनी है, ईमेल एड्रेस डालना है, आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। अब आप वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया पे यस करेंगे। अब आपका यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्क कर लेंगे और जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद इसे सबमिट कर दें। रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर आपको देखिए टोकन नंबर देखने को मिलेगा। तो ये टोकन नंबर आपको कहीं नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट कर लेना है या फोटो काट कर इसका निकाल कर रख लेना है, ये हमें आगे काम आने वाला है। तो ये आपने काम कर लिया होगा, टोकन नंबर आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, ये ऑप्शन जो नज़र आ रहा है उस ऑप्शन पे हम क्या करते हैं कंटिन्यू करते क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसे क्लिक कर लिया। अब क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। तो लीजिए हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन देखने को मिले, एक डिजिटली eKYC, दूसरा है ऑनलाइन सबमिट एंड तीसरा है फिजिकली सबमिट। तो अब आप कौन सा सबमिट करना चाहते हैं, अगर आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देखिए आधार पर जो भी डिटेल है वही डिटेल आपको आपके पैन कार्ड पे मिलेंगी, जो कि हम नहीं चाहते, हमने पहले ये प्रोसेस कर चुके हैं और हमारे पास पैन कार्ड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते थे यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप अपना मर्जी के जो फोटो होता है वो फोटो और अपना जो सिग्नेचर होता है वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप तीसरा ऑप्शन लेंगे तो ये डायरेक्टली NSDL को यानी इनकम टैक्स को आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो हमें ये फर्स्ट वाला और से लास्ट वाला नहीं करना, हमें क्या करना है सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। सब कुछ हमें ऑनलाइन करना है, हमें सिग्नेचर भी डालना है और हमारा जो फोटो है वो भी हमें डालना है। तो यहाँ पर आप जैसे बीच में वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, वेदर फिजिकल पैन एंड रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर देखिए हम एस वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद देखिए आधार नंबर यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। तो हमें आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हमने लास्ट के 4 डिजिट डाल दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम एज पर आधार, जो आधार पे नाम है उस तरह से हम यहाँ पर नेम अपना डाल। कुछ डिटेल हमारी ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे जहाँ पर हमारी डिटेल फिल नहीं हो रही वो हम मैनुअली करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने फीमेल कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसे स्क्रोल अप करेंगे। स्क्रोल अप करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको डिटेल ऑफ पेरेंट्स, तो डिटेल ऑफ पेरेंट्स में आपको आपका फादर नेम डाल देना है। तो यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन अच्छे से डाल देंगे। यहाँ पर क्या करते हैं फर्स्ट में सरनेम डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देंगे, फादर का सरनेम और फर्स्ट नेम डाल देंगे। अगर सिंगल में नाम है तो हम क्या करेंगे, मिडल नेम जो है वहाँ पर हम फादर का नाम डाल देंगे, अगर सिंगल नेम आपके डिटेल में है तो। अब क्या करते हैं इससे हमने यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया। अब हम क्या करते हैं ऐसे ही मदर नेम पर आते हैं, तो मदर नेम पर भी आपको ऐसे ही करना, लास्ट नेम में आपको सरनेम डाल देना है, मदर नेम फर्स्ट में आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, अगर सिंगल नेम आपको आपके डिटेल में है तो आप यहाँ पर सरनेम कर सकते हैं। और आप क्या चाहते हैं पैन कार्ड पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप फादर नेम को लेना चाहते हैं फादर नेम ले, अगर आप मदर नेम को लेना चाहते हैं तो मदर नेम ले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फादर नेम पर रख कर इसे नेक्स्ट कर लेंगे।
तो अब हम आ चुके नेक्स्ट प्रोसेस पे, और अब यहाँ पर इनकम सोर्स में आपसे पूछा जाएगा जो आप है वो आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं, सैलरी है सैलरी डाले, इनकम सोर्स जो भी आपका वो डाल दे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक करके आपको इसे नेक्स्ट कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट करेंगे। रेसिडेंस आपका क्या है वो डाल देना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आपको रेसिडेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और रेसिडेंशियली एड्रेस जो भी है आपका वो यहाँ पर आपको अच्छे से डाल देना है, ताकि आपके एड्रेस पर आपका जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली रिसीव हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी डिटेल हमारी है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ब्लर कर दिए फॉर सिक्योरिटी रीजन, तो यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर ऑफिशियली एड्रेस अगर है आपका तो आप वो ऑफिशियली एड्रेस भी डाल सकते, नहीं तो आप इसे इग्नोर कर सकते। तो यहाँ पर आपको टेलीफोन एंड ईमेल एड्रेस की डिटेल यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कंट्री कोड है इंडिया, तो इंडिया सेलेक्ट किया, आप मोबाइल नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर ईमेल नंबर ईमेल एड्रेस डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल दिया, आपको भी इस तरह से करना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपको देख लेना है जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से कुछ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, ये सब आपसे पूछा जाएगा, और आप बोलेंगे कैसे डालना है। तो थोड़ा सा नीचे नजर करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, आपकी सिटी सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी सिटी सेलेक्ट करने के बाद देखिए जो आप देख रहे थे एओ टाइप, रेंज कोड, एरिया कोड, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है, जैसे आप यहाँ पर मार्क करेंगे सारी की सारी डिटेल ऊपर आप फिलअप हो जाएंगे। उसके बाद इसको आपको नेक्स्ट करना है। अब हम क्या करते हैं, इसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों ऑप्शन आपको दिए गए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बर्थ डेट। तो तीनों में आपको क्या करना है, आधार कार्ड को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी आधार कार्ड लेंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड लेंगे, और प्रूफ ऑफ बर्थ में भी आप आधार कार्ड लेंगे। और नीचे आप डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको नाम नजर आएगा, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो हिमसेल्फ आपको ले लेना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिमसेल्फ ले लेते, और नीचे आपको यहाँ पर देखिए इसे पॉपअप काटा देते। तो यहाँ पर आप पैलेस को ले लेना है, आपके सिटी का नाम, सिटी का नाम लेने के बाद यहाँ पर देखिए इसे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर और अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है जो फोटो की साइज है और सिग्नेचर की साइज है वो 50 KB से ज़्यादा ना हो, 50 KB मैक्सिमम होना ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फोटो होता है वो फोटो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने फोटो आपके फाइल मैनेजर में रखा है वो फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड हो चुका, अब सिग्नेचर भी हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको आपका जो डॉक्यूमेंट, जो आधार कार्ड है वो PDF फॉर्मेट होना चाहिए, उसकी साइज 300 KB होना चाहिए, और जो आधार कार्ड का फ्रंट और बैक वो एक ही जगह पर आपको स्कैन करके उसकी PDF बना लेना 300 KB की साइज में, और आपको यहाँ पर आके इसे अपलोड करना है। तो जैसे ही तीनों चीज़ें सक्सेसफुली अपलोड हो जाए तो यहाँ पर इसे सबमिट कर देना है और नेक्स्ट प्रोसेस करना है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब यहाँ पर आपकी जो डिटेल आपने सबमिट की थी इसे वेरीफाई करना होगा। पहले टाइम हमने क्या किया था, लास्ट के 8 डिजिट यहाँ पर एंटर किए थे, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट के 8 डिजिट अब यहाँ पर हमें डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट के 8 डिजिट हमने इससे पहले डाले थे, अब यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है तो हमें फर्स्ट के 8 डिजिट डाल देना है। फर्स्ट के 8 डिजिट डालने के बाद इससे हमें क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए जो डिटेल है ये सब कुछ डिटेल आपकी यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है। अब तो यहाँ पर डिटेल अच्छे से देख लेना है, अगर कहीं पर स्पेलिंग इसमें अच्छे तो आप यहाँ पर एडिट पे आके एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है एकदम सही है सब कुछ तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसेड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया डिटेल एकदम सही है तो हम क्या करेंगे, इसे प्रोसेड कर लेंगे। अब आ चुके हम पेमेंट मोड पे, तो यहाँ पर हमें आप क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट मोड पे आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, डेबिट कार्ड, QR कोड या ऑनलाइन पेमेंट। तो आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप पेटीएम से भी पैसे यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पेटीएम का ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमें चार्ज लग रहा है 105 रुपये
तो यहाँ पर 105 रुपए यहाँ पर चार्ज लग रहा है, इसे हम क्या करेंगे टर्म एंड कंडीशन पे ओके करते और प्रोसेड करते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रोसेड करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे जो ट्रांजेक्शन आईडी आ चुकी है, इसे आप इसे प्रोसेड करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमसे 106 रुपए ले जा रहे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमारा क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन नजर आएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए डिटेल इस तरह से नजर आएंगे, इसे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, इसे मार्क कर लेना है और कंटिन्यू कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसे ऑथेंटिक जो ऑथेंटिकेशन है उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए आपके जो नंबर है वो नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, जो आधार बेस्ड नंबर है उस आधार बेस्ड नंबर पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी लेना और यहाँ पर डाल के इसे सबमिट कर देना। अब यहाँ पर हमने इसे सबमिट कर दिया, कंटिन्यू विद ई साइन पे आपको क्लिक कर लेना। तो कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस, तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद ऊपर देखिए आपको एक बॉक्स नजर आएगा, उस पर आपको मार्क करना है और यहाँ पर सेंड ओटीपी भी आपको क्लिक करना है। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी लेके यहाँ पर सबमिट कर देना है। यहाँ पर हमारा ओटीपी सबमिट हो गया। अब यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी, तो पीडीएफ में आपको आपका बर्थ डेट जो होता है वो बर्थ डेट आपको डालना है, डेट मंथ और ईयर ये हिसाब से आपको आपका पासवर्ड डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर आप और डिटेल देख सकते हैं, हमने सक्सेसफुली फाइल सबमिट कर दी है। आने वाले 50 दिन के अंदर आपको आपके एड्रेस आपका पैन कार्ड आ जाएगा, जिसमें फिजिकली पैन कार्ड आपको मिलेगा, उसमें आपका फोटो और आपका सिग्नेचर भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप अपना पैन कार्ड का फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।